नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर मेरठ की है, जहां पर हापुड़ की गुड़िया से हवानियत का ये मामला। कल समाजवादी पार्टी हापुड़ में प्रदर्शन करेगी। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर परिजनों से मिले हैं समाजवादी पार्टी के नेता। अचुर प्रधान सफाई करेंगे कल इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई। पीड़ित परिवार से मिलकर अतुल प्रधान ने दी 21,000 की राशि। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मासूम का चल रहा इलाज। सपा नेता करेंगे कल इंसाफ दिलाने की मांग इस प्रदर्शन के जरिए। कल हापुड़ में डीएमएसपी का घेराव करेगी समाजवादी पार्टी। महिला आयोग ने भी लिया मामले का संज्ञान। महिला आयोग ने सदस्य राखी त्यागी जो है वो मेडिकल कॉलेज पहुंची। महिला आयोग की सदस्य और मासूम के परिजनों से मुलाकात कर आश्वासन दिया है कि वो गुड़िया की लड़ाई को लड़ेंगी। देखिए, दरिंदगी की इंतहा है। सबसे पहले तो ऐसे दरिंदों को तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अलग अलग घटनाएं प्रदेश में दिन प्रतिदिन सुनने के लिए मिलती हैं। पूरा प्रदेश इस समय जंगल राज में तब्दील है। यहाँ कोई सरकार, कोई किस तरह का शासन, किसी के मन में भय कुछ नहीं है। उल्टी सीधी चीज़ें प्रशासन के लोग लगातार कर रहे हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, उसी तरह बर्बर तरीके से इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। और इसके साथ साथ जिस तरह पिछले 3 दिन में जिला हापुड़ के अधिकारियों ने स्थूलता बरती है, ऐसे दोषी लोगों पर तुरंत कार्रवाई शासन प्रशासन को करनी चाहिए। और हम तो मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर एनएसए लगा देना चाहिए। देशद्रोही हैं वो लोग जो हमारे देश की जो बच्चियां हैं उनके साथ ऐसे जिन्होंने कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और बच्ची के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हम योगी जी से ये भी मांग करते हैं कि वो देश के मुख्यमंत्री हैं, अभी हम रक्षाबंधन का त्यौहार बना करके हटे हैं, उन्हें इस बच्ची का उसको आकर के देखना चाहिए। ये बच्ची भी उनकी बहन है और इसके साथ जिन्होंने बुरा कार्य किया है उनका एनकाउंटर करो, उन्हें फांसी पर लटकाओ, एनएसए लगाओ या देशद्रोह के मुकदमे करो ताकि वो लोग बाहर ना आ पाए। रेप पे सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। ये तो निर्भया से भी बुरा मुझे देखने को लगा है। बच्ची क्या बच्ची है, क्या सोचेगी ये आदमी के बारे में कि आदमी क्या गिरफ्तार की तो जल्दी करेंगे जब पता चलेगी उनको। हैं, जो करना चाहते हैं वो तो हमने थाने में बोल रखा है। पुलिस तो डोल ही रही है, हैं, हम भी डोल रहे हैं। अब जब हमने कोई अपनी आंखों से नहीं देखा तो ऐसा हम कैसे किसको कह दें। गिरफ्तार की तो जब ही करेंगे जब पता चलेगी उनको। देखिए, समाजवादी पार्टी अब हापुड़ में प्रदर्शन करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता कल इंसाफ दिलाने के लिए गुड़िया को सड़कों पर उतरेंगे। कल हापुड़ में डीएमएसपी का घेराव करेंगी। इसके अलावा देखिए, महिला आयोग की जो सदस्य हैं वो भी पहुंची है राखी त्यागी, और उनका कहना है कि सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कब तक हम इन तमाम मांगों के जरिए बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात करते रहेंगे। आज तक हमने गुड़िया से लेकर दामनी तक न जाने कितने ही केसेस देखे, लेकिन क्या आज तक रेप के केसेस थमे हैं? ये मामला आखिरकार है क्या और अब तक पुलिस की इस पर क्या कुछ कार्रवाई रही है, एक बार वो आपको बताते हैं। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। दरिंदे ने गुप्तांग को भी जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान बच्ची की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। हापुड़ से मेरठ के लिए उसको रेफर किया गया है और अभी भी मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। शिकायत के बाद भी पुलिस लीपापोती करती रही, परिजनों को देर तक टरकाने का पुलिस पर आरोप है। 3 दिन पहले बच्ची को अगवा किया गया। शुक्रवार को बेहोशी की हालत में बच्ची पाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पुलिस के कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, बेटी की सुरक्षा का जिम्मा है, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जाता है, उस देश में बेटी सुरक्षित कब होगी? क्योंकि बेटी को पढ़ा भी लिया लेकिन बचाओगे कैसे से दरिंदों से? खुद अतुल प्रधान जुड़ गए हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी नेता। अतुल प्रधान जी, कल समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर रही है। जी नमस्कार। कल गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। नमस्कार। देखिए गुड़िया के साथ जो ये घटना घटी है, मैं
सबसे पहले संवेदना व्यक्त करता हूँ उस परिवार के लिए जो इतनी बड़ी दुख को सहन कर रहा है किसी तरीके से, क्योंकि मैंने खुद मेडिकल कॉलेज में जाकर देखा उस बच्ची को रोते हुए चीखते हुए, कई डॉक्टर वहां पर इलाज के लिए मौजूद थे, लेकिन उससे पहले कई परेशानी भी अस्पताल में झेलनी पड़ी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हर दिन की घटनाएं हैं और ये निर्भया कांड जैसा विभत्स कांड है। बेशक मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पर इसको दिखाने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये दिशा निर्देश दिए हम लोगों को कि उसके परिवार के लोगों से मिला जाए, यथासंभव मदद की जाए और किसी भी चीज की ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए उसको परेशानी हो। हम लोग पहुंचे, हमने अपनी तरफ से जो मदद कर सकते थे मदद भी की और बच्चे की पढ़ाई से लेकर आने वाले समय पर किसी भी तरह की कानूनी उनको जो है जरूरत पड़ेगी उसमें भी हम लोग मदद करेंगे। इसके साथ साथ इस समय कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर लूट दुष्कर्म की घटनाएं हत्याएं हर दिन ना हो रही हों। उसी कड़ी में आप हापुड़ की अब जो हम छोटी 6 साल की बच्ची का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके चैनल पर, इसी के साथ साथ आप जिले में पता करके देखिए यहां पर 2 अन्य जगहों पर भी दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। एक 14 साल की बच्ची के साथ और घटना हुई है, एक अन्य जगह पर हुई है और पुलिस अब तक दुष्कर्मी लोगों को पकड़ने में नाकाम रही है। हमारी सरकार से, हालांकि सरकार से कुछ कहना बेईमानी है, इनकी आंखों पर ठीकरे रखे हुए हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय थाने और तहसील जमीनों में सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इनके नेता, इनका कोई लेना देना पब्लिक से नहीं है। उसको जिताने के लिए, चेताने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी कल इकट्ठे होकर हापुड़ जो है कलेक्ट्रेट पर जो है सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अतुल प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाना, लेकिन कुछ दिनों से हमने देखा कि विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, या यूं कह लीजिए कि नदारद था। फिलहाल के मेरे सहयोगी जुड़ गए सीधे। के क्या हालत है उस बच्ची की फिलहाल? पूजा, उस बच्ची की हालत देखकर रिपोर्टिंग करने का मन था नहीं, लेकिन आवाज उठानी है। न्यूज वन इंडिया ने 7 तारीख को भी इस आवाज को प्रमुखता के साथ उठाया था, लेकिन 7 तारीख से 9 तारीख हो गई है, आज तक दरिंदों के स्केच के अलावा हापुड़ पुलिस ने कुछ जारी नहीं किया है। जी आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। जिस समय अतुल प्रधान पहुंचे थे उस समय बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ था, बच्ची का 1 ऑपरेशन हो चुका है। हमारी प्रधानाचार्य आप बता रहे हैं और स्टूडियो में बैठे बैठे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सुनकर और ये सोचकर कि उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। एक महिला होने के नाते उसके दर्द और तकलीफ को बखूबी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन शर्म आती है बार बार ऐसी खबरों को पढ़कर कि हम बार बार ऐसी खबरों को पढ़ते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, प्रशासन से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सिलसिले बदस्तूर जारी हैं। आखिर ये रुकेंगे कब मामले? आंखें नम हो जाती हैं ऐसी खबरों को पढ़कर, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ इन खबरों को आप तक पहुंचाना पड़ता है। सबसे हैरत की बात है जैसा आप के बता रहे हैं कि अस्पताल में उसका इलाज तक नहीं हो रहा था, जब तक मामला मीडिया उठाए ना तब तक इनको फर्क भी नहीं पड़ता। क्या इन डॉक्टर्स को जिनको हम भगवान की तरह पूछते हैं, जिन पुलिस वालों को सरकारी नौकर कहा जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या? पूजा जब आप ये बोल रही हैं तो उस बच्ची का चेहरा, मासूम चेहरा और उसकी आंखों से धड़कते हुए आंसू मुझे साफ नजर आ रहे हैं। अभी भी वो तस्वीर मेरे सामने है और उस माँ को मैं सलाम करना चाहता हूँ जिस माँ ने ये कहा है कि हम जरूर चाहते हैं कि इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई निर्दोष इस मामले में ना जाए। वहीं पर हमने SSP हापुड़ से बार बार बातचीत करने की कोशिश करी, मेरे सहयोगी मोहित ने भी कोशिश करी SSP हापुड़ से बात करने की, लेकिन वो इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे। आप ये देखिए, क्या जब तक मीडिया इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाएगा तब तक गरीबों की बच्चियों को कोई कोई किसी तरीके की मदद नहीं मिलेगी, कोई कानूनी मदद नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात, मैं उनके पिता को देख रहा था, पथरा गए, कह रहे थे क्या मिलेगी हमको इंसाफ इस बारे में। अब योगी जाने, योगी शासन में जितना पुलिस को छूट दी गई है इतनी किसी भी शासन में नहीं दी गई। के आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक,
लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर है। शिकायत के बाद भी पुलिस लीपापोती करती रही। किसी अधिकारी की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाती है तो किसी बड़े नेता का बेटा तक नप जाता है, लेकिन जब बात गरीब की बेटी की आती है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है? लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा धब्बा क्या हो सकता है? जिस गरीब आदमी की मेहनत से पूरा देश बनता है, जिस गरीब आदमी की मेहनत से ये देश चलता है, उस गरीब आदमी की बेटी की इज्जत की किसी को कोई परवाह नहीं। शर्म आती है ऐसे पुलिस महकमे पर, शर्म आती है ऐसे डॉक्टर्स पर जिनको हम भगवान कहते हैं और उनको एक बच्चे की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। आरोप लगे हैं पुलिस अधिकारियों पर कि वो कार्रवाई कर नहीं रही। और सबसे शर्मिंदगी वाली बात यह है कि अब तक अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, कोई फोन उठाने को राजी नहीं। जिस थाने की वारदात है वहां की पुलिस आखिरकार थी कहां पर? अभी हाल ही में आपको याद होगा जब अपहरण के ये पूरे मामले सामने आए, उस दौरान में स्पेशली एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जब भी कोई अपहरण होगा सबसे पहला ये कार्य होगा कि उस अपहृत शख्स को या फिर लड़की को, बच्ची को, जो भी अपहृत होगा उनको तुरंत बरामद किया जाएगा और उसके लिए पुलिस महकमा बहुत ही सीरियस रहेगा। लेकिन हैरत होती है कि इतने तमाम सख्त निर्देशों के बावजूद भी आखिरकार ये पुलिस महकमा कर क्या रहा है? आखिरकार ऐसी इनकी कौन सी मजबूरी है कि ये, देखिए कानपुर प्रकरण के बाद तो ये सवाल समझ में आता है कि यहाँ पर जो गैंगस्टर्स होंगे वो सुरक्षित हैं और गरीब की बेटी, गरीब की बेटी का क्या? ये सवाल खुद से पूछेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 4,687 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 47,890 हो चुकी है और अब तक 72,650 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। प्रदेश में 2,069 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 52% काम पूरा हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मॉनसून सीजन के बाद एक्सप्रेसवे निर्माण में और तेजी आएगी। अगले वर्ष जनवरी तक परिवहन शुरू होने की उम्मीद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रगति का खुद उन्होंने जायजा लिया। तेजी से चल रहा है, पूरी एक्सप्रेसवे में लगभग 52% का काम हो गया है। मऊ और गाजीपुर के काम यहाँ निरीक्षण किया है, जिलाधिकारी दोनों यहाँ मौजूद थे। हम लोग बहुत तेजी से इस काम को कर रहे हैं। अब जमीन के जो भी इश्यूज हैं लगभग सभी सॉल्व हो गए हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसको दिसंबर जनवरी तक सड़क का जो मेन पोर्शन है उसको शुरू कर दें। हमने अपने सभी कॉन्ट्रैक्टर से कहा है कि अब बरसात जैसे जैसे ख़त्म होती है तो तुरंत तेजी लाई जाए और इस काम को जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अभी सड़क पर हमने अपने एक वर्कर से पूछा कि सड़क कहाँ तक जाएगी, तो दिल्ली तक जाएगी, इन्होंने कहा। तो ये वाकई दिल्ली तक जाएगी क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बन जाएगी तो लखनऊ में तब तक रिंग रोड का भी हिस्सा बन जाएगा और आगरा एक्सप्रेसवे से फिर दिल्ली तक जा सकेंगे। खबर कानपुर से है। नशेबाजी में दो पक्षों में मारपीट, बीच सड़क पर मारपिटाई शुरू हो गई। हंगामा देख तमाशबीन बने रहे लोग। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के CTI का ये मामला है। ये तस्वीर देखिए, गोविंदनगर थाना क्षेत्र के CTI का मामला है। यहां नारेबाजी में देखिए दो पक्षों में कैसे मारपीट शुरू हो गई। बीच सड़क पर यहां मारपीट शुरू हो गई है और सबके हाथों में लाठी और डंडे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब इस मारपिटाई में कूद कर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। बीच सड़क पर ही ये पूरा का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एक दूसरे के कपड़े ये फाड़ रहे हैं, कोई किसी का गला दबा रहा है, कोई किसी पर लाठी से हमला कर रहा है, एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से पीटा जा रहा है और बीच सड़क पर ये सब कुछ चलता रहा और लोग तमाशबीन बने देखते रहे। खबर फिरोजाबाद से, जहां नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की बड़ी मिलीभगत। ठेकेदारों ने 26 करोड़ के टेंडर हथियाने का पूरा प्लान तैयार किया था। धांधली करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों के मंसूबों पर लेकिन पानी फिर गया। 26 करोड़ के टेंडर किए गए निरस्त। टेंडर मैनेज करने के लिए अधिकारियों से 5% कमीशन लिया गया। सोशल मीडिया पर किरकिरी के बाद महापौर नूतन राठौर ने टेंडर को निरस्त कराया। टेंडर की पुलिंग कर ई टेंडरिंग को गच्चा देने की
साजिश रची गई थी। टेंडर निरस्त होने पर ठेकेदार और निगम अधिकारियों में खलबली मच गई। 14वें वित्त और अवस्थापन निधि के अंतर्गत करोड़ों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। 15 जुलाई को 26 करोड़ से 142 स्थानों पर टेंडर आमंत्रित किए गए थे। टेंडर मैनेज करने के लिए निगम के बड़े अधिकारियों के ठेकेदारों से डील हुई थी। नगर निगम ने लगभग 26 करोड़ रुपए के ई टेंडर आमंत्रित किए थे। ऑल दो ई टेंडरिंग प्रक्रिया स्वयं में ही पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ये संज्ञान में आ रहा था कुछ स्रोतों से कि इसमें कुछ ठेकेदार उसको पूल करने की तैयारी में हैं। पूल करने से मतलब है कि वो टेंडर आपस में बांटते हुए और एक व्यक्ति वही लिमिटेड लोग उन टेंडरों को डालेंगे, जिसमें जो टेंडर अमूमन अपने 10 से 15 से 20% बिलो तक हमारे टेंडर जाते हैं वो एस्टिमेटेड दर के बिल्कुल आसपास ही होंगे, वैसी लोग तैयारी कर रहे थे। तो उसको संज्ञान में आते हुए उस पूलिंग को तोड़ने के लिए टेंडर। चलिए फिलहाल आपसे इजाजत, नमस्कार।